सो हाय गाइस, आज 29 जनवरी है, कल हर्ष का बर्थडे है। सो मैं वीडियो आज से बनाना शुरू कर रही हूँ और आज हम टाउन जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मैं चाहती हूँ कि हर्ष का ये बर्थडे का वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि कोविड में ना कहीं पार्टी, ना कहीं फ्रेंड्स, किसी को बुला नहीं सकते, गेट टुगेदर कर नहीं सकते, और ऊपर से मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तो हम इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं कि शूट के बाद सिर्फ हम घर पे रहे। लेकिन मुझे सरप्राइज़ देने में बहुत 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 मज़ा आता है, लेकिन हर्ष को सरप्राइज़ बिल्कुल पसंद नहीं। ना ये लड़के ने मुझे लाइफ में कभी कोई सरप्राइज़ दिया है, नहीं दिया यार कोई सरप्राइज़, मतलब ये बेबी का ही सरप्राइज़ दिया जो हमने प्लान भी नहीं किया था और हो गया। मैं जा रही हूँ और मैंने जो मेरी हाउस हेल्प है उसको सब समझा दिया है कि जैसे हम निकलेंगे डेकोर वाले आ जाएंगे, फटाफट थोड़ा सजा देना, मुझे वॉइस मैसेज मत भेजना, भैया साथ में होंगे सुनेंगे। हर्ष को बहुत गुस्सा आता है जो ऐसा मैं करती हूँ, मतलब ऐसे सरप्राइज़ देती हूँ, बट कोई बात नहीं, बर्थडे है, गुस्सा सह लूँगी, क्या करेगा। वीडियो ऑन रखूँगी, क्या करेगा, मारेगा, गाली देगा, वीडियो में आप सब देखना, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, मुझे पता है, क्योंकि आजकल वो मुझे बहुत पैम्पर करता है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे मूड बहुत स्विंग होते रहते हैं। 7 मंथ चल रहा है गाइस, बड़ी एक्साइटेड हूँ यार, बस 3 महीने रह गए बेबी आने को, फिर पता नहीं ये वीडियो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आज मैं थोड़ा तैयार भी हो गई हूँ क्योंकि वीडियो बनना है, आप सब ने देखना है, लेकिन हर्ष ने मुझे देखा तक नहीं कि मैंने लेंस वेंस लगाए हैं आज, कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि देखता ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगा था मैं पकड़ी जाऊंगी, बोलेगा डॉक्टर के पास जा रही इतना तैयार होके क्यों, लेकिन कुछ भी नहीं पूछा इस लड़के ने। इसका मतलब शादी के बाद जो हस्बैंड होते हैं अपनी वाइफ का चेहरा देखते ही नहीं है, है ना, मतलब हो गया तो हो गया, शादी हो गई अभी, इसने भी नहीं मुझे देखा, मेरे लेंस, मेरी लिपस्टिक, मेरा आईलाइनर, मेरे गीले बाल, कुछ नहीं देखा इसने। चलो अभी बाहर वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, अभी हमको 10 मिनट में निकलना है। आज मैं उसके सामने नॉर्मली ऐसी वीडियो बनाऊंगी कि आज हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन सांस भी नहीं चढ़ गई, मुझे डर भी लग रहा है कि पीछे से आ ना जाए वो, लेकिन जब घर वापस आएंगे तो फिर वो देखेगा बलून लगे हुए, केक आया हुआ, बहुत गुस्सा आएगा उसे मन पे, लेकिन वीडियो चल रहा होगा इसीलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकेगा। गाइस आप लोग मेरे साथ रहिएगा, हाँ मज़ा आएगा। गाइस हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, अब ये सारे रास्ते, यानी 1 घंटा लगेगा मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए, उसमें ये मेरे से बिल्कुल बात नहीं करेगा, सिर्फ फ़ोन पे लगा रहेगा। हमको गाड़ी में बैठे 1/2 घंटा हो गया और अब इसको टाइम मिला है हर्ष को मेरे से बात करने का। मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, कैसी हैं आप? अच्छी हो यार, चश्मे वाले लोगों के ना इधर वो आ जाता है, बहुत बुरा लगता है। क्या आ जाता है? अच्छा अच्छा, भाप, सांसें बहुत गर्म है तुम्हारी, इसका मतलब सांसें गर्म नहीं, दिखता नहीं है भारती, ठोक ना दो किसी को, डर है मुझे। ए मैं बैठी हूँ साथ में। ऐसी ऐसी मनहूस बातें बोलते हैं जब हम ड्राइव पे जाते हैं ना, कि ऐसा मत कर कहीं, सबसे पहले तो हम ड्राइव ठोक ना दो, हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, ठीक है, ड्राइव नहीं है इसमें, इंजॉय मत करो, समझी, इंजॉयमेंट नहीं है ये तुम्हारा। आज मेरा गाली दिवस है, मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर के पास जाते, क्योंकि थोड़ा सा वेट बढ़ गया है मेरा और मोटे बच्चे का भी। बड़ा डांटता यार ये मेरा डॉक्टर यार, एक तो पैसा भी भरो और ऊपर से गालियां भी खाओ, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं बोलूंगी डॉक्टर अगर आपने ऐसे मुझे चिल्लाना है ना तो मैं कहीं और से करवा लूंगी और मैंने पैसा भी नहीं देना आपको। कहीं वो भी कह दे चल निकल यहाँ से तो कैसा होगा फिर, कहाँ जाऊंगी मैं, नहीं ऐसा कह नहीं सकती, मन में कहूंगी मैं ऐसा कि यार मत करो यार, बढ़ जाता है वेट तो क्या करूं हर्ष, मैं भर्ती, पुलिस, मास्क पहन जल्दी, मास्क पहन जल्दी, खुद ऐसे करके खुद ही गलत मास्क पहन लिया सारा। दीदार तेरा मिल, मुझे ना हर्ष तुम गाड़ी चलाओ, मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे को बिल्कुल कैप में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये, मेरे को ऐसा लगता है मैं 9th क्लास का कोई लड़का लेके जा रही हूँ अपने साथ, है ऊपर से चश्मा लगा, ऊपर से कैप पहन के चिपकू बन जा, उतार उतार कैप, हाँ ये है लड़के का बाप, लड़के का बाप यार, मुंह से लड़का लड़का ही निकलता, पर अपने को लड़की चाहिए, ये है लड़की का बाप, चाहिए बिटिया। नहीं बट कहते हैं कि ऐसे लड़की लड़की बोलो तो फिर लड़का हो जाता है, तो अपन लड़का लड़का ही बोलते हैं ताकि लड़की हो, भगवान को कंफ्यूज कर देते हैं।
हाय रब्बा। गाइस अभी यहाँ से आगे कलर्स का ऑफिस आने वाला है, तो हमारे कुछ पैसे वैसे तो हम जब कलर्स के ऑफिस से निकलेंगे ना तो हम जोर से चिल्लाएंगे पैसा दो। ये देखिए ये क्या था हमारे फैंस, क्या पता मेरे फैंस हो, तो क्या पता मेरे हो। नहीं 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 पूछ ले, मैं अभी पूछ लेती हूँ। आप किस थैंक यू आप मेरे या हर्ष के? हर्ष की काफी छोटी सी बेइज्जती हुई है, बच्ची ने की है, तो हर्ष ने बोला मेरे या भारती के, तो उसने बोला भारती मैम के, मम्मी ने बोला सो कलर्स का ऑफिस आ चुका है। किधर? नहीं गलत है, यही है और ये क्या? नहीं ये नहीं है ये, अरे यार तब तब तभी इसका पैसा तो जल्दी नहीं आता, कलर्स का ऑफिस आया नहीं। गलत ऑफिस चला जाता हूँ क्या मैं? क्या बात कर रही है, गलत ऑफिस है क्या? ब्रिज के नीचे है कलर्स का ऑफिस, तभी गलत ऑफिस जाता था। सालों से मैं गलत ऑफिस लोगों को शो सुनाता था, तभी तो कोई शो हमारा पास नहीं हो रहा था और ना ही पैसा मिल रहा था। सो अभी आएगा कलर्स का ऑफिस, डॉक्टर के पास पहुंचने वाले। भारती चल इमेजिन करके अभी तेरा बेबी होने वाला है, इमेजिन करके अभी तेरा बेबी होने वाला है और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में। और गाड़ी में हो जाता है बेबी? नहीं नहीं हो रहा है, हो रहा है। कैसे कैसे वो कर रही है, कंट्रोल कैसे कर रही है, मेरे को ज्यादा वो नहीं बोलना कि हर जल्दी चला ये सब, मेरे को ड्राइविंग के टाइम पे न्यूसेंस नहीं चाहिए, भारती चिल्लाना बिल्कुल नहीं। ऐसा क्रूर पति देखा आपने कोई? मैं ऐसे ही रहूंगी, जब मुझे पेन होगा ना तब भी मैं वीडियो शूट करके बताऊंगी कि पेशेंस कैसे रखते हैं, ऐसे रखूंगी। ऐसे बना गाड़ी थोड़ी धीरे चला, हर एक गर्भवती महिला तेरे साथ बैठी है। गर्भवती नहीं बेटा, गर्भवती। क्या गर्भवती? पंजाबी तो गर्भवती के लिए। गर्भवती ने ए कपिल शर्मा इज ऑन नेटफ्लिक्स। हाय रब्बा मास्क पहन लो भाई, इधर तो पता नहीं वो तुरंत ही पकड़ के 200 रुपया ले लेते हैं। और अब भाई आज काम नहीं किया तो आज हम 200 रुपया भी नहीं देंगे किसी को। आज मैं टाउन साइड आई हूँ, अभी हाजी अली के पास पहुँचने वाले हैं और मेरा वड़ा पाव खाने का बहुत मन कर रहा है, वो भी ऐसी कोई बड़ी दुकान से नहीं, ऐसे जो छोटी मोटी दुकानें होती है ना जहाँ पे बसें बुसों की धूल मिली होती है, खुजा खुजा के चटनी वटनी डालते हैं, मेरा वो खाने का मन कर रहा है। शूटिंग पे भी मंगाओ ना तो वो साफ सुथरी जगह से मंगा देते हैं यार, बट अपने तो बचपन से ही इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि यही सड़कों का ही खा खा के बड़े हुए हैं। सो हर्ष मुझे वड़ा पाव खाना है, चलो ढूंढते हैं, ये टाउन है यहाँ पर बहुत अच्छा वड़ा पाव मिलेगा। सच्ची? अरे 100%, लेकिन अभी टाइम 1 बज गया ना, अभी ये लंच टाइम है, अभी तेरे को वो मिलेगा पूरी भाजी। वड़ा पाव के पास पहुंच चुकी हूँ, मस्त वड़ा पाव रहेगा, वरना लग जाएगा। कौन सा वड़ा पाव लाओगे मेरे लिए? ग्रिल वड़ा पाव रहेगा मैडम, एक आपको और एक बटर वड़ा पाव रहेगा। मेरे को स्पाइसी चाहिए, मिर्ची भी और उसकी लहसुन की चटनी होती है ना जो, जी मैडम वो चाहिए। ओके ठीक है, अरे पहनना ही हुआ है मास्क, उसने मुझे मास्क में पहचान लिया मेरी सुंदर आंखों से। और अगर साथ में एक थम्स अप पी लूं ना तो मैं कल से ना, कल से क्या ये खाने के बाद तेरे से कोई डिमांड नहीं करूंगी कि मुझे मीठा दे मुझे ये दे, क्योंकि जब वड़ा पाव मिर्ची मिर्ची खाओ तो एक थम्स अप का सिप लो ना तो बहुत अच्छा लगता है। सो बेसिकली वड़ा पाव खा चुकी है, आ चुकी है, नहीं आ चुकी है, आ चुके हैं वड़ा पाव, ये देखिए उफ 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 बटर, और ये देखिए इसको हम, और ये खाने वाली है, क्या बोल रही है? उसका पेट लटक रहा है और उसके साथ एक मोटी भी है, फिर भी डोसा सब कुछ खा रहे हैं। और तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, इन्हें रोकने आई हो या ये खाने आई हो? तुम जो यहाँ पर ये बटर में तैरता हुआ वड़ा पाव जो खा रही हो भारती, इस पे तुम्हें कोई शर्म किसी तरह की लज्जा लज्जा आ रही है या मज्जा आ रही है? हैं? बता बता, कैमरा बंद करो।
कैमरा बंद करिए, नायक पिक्चर का सीन, कैमरा बंद करिए, कैमरा बंद करिए। तो दोस्तों ये भारती दो वड़ा पाव पेल गई है और बिना किसी शर्म और लाज के आप ये देखिए, ये देखो इसको लाज शर्म का गहना पहना है बहना है, इसके साथ कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए। वापस से बोल। सो फाइनली हम घर आ गए और मुझे आज इतनी डांट भी नहीं पड़ी क्योंकि मेरा कुछ 600-700 ग्राम ही वेट बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा। सो मैं थोड़ी खुश हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अभी हर्ष के लिए एक सरप्राइज है अंदर। हर्ष आपके लिए एक सरप्राइज है। ये क्या है? आपका सरप्राइज। ये क्या है? हर्ष के लिए एक सरप्राइज था। क्या? मैं कह रही थी गाड़ी थोड़ा स्लो चला। अच्छा, मैं भी बना रही हूँ। अच्छा, मैं वही सोच रहा था कि यार मैं अपने बर्थडे पे क्या करूंगा। बर्थडे पे केक लाए हैं और वो लड़की लाए हैं, वो जो केक। अरे यार हर्षू करते दे। क्या वो डालना है ना उसपे? चाकू पकड़ के कौन फोटो खिंचवाता है? इधर रहेगा खुद पूरी हीरोइन बनी हुई है और जिसका बर्थडे है उसको बोला ही नहीं कि भाई तैयार हो, अच्छे कपड़े पहनो, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं। ये सरप्राइज होता है ऐसे ही, सरप्राइज के लिए ऐसे रेडी है नंबर। अब हर्ष के अकेले थोड़ा 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 ऐसे यार, अकेले वाले कपड़े भी तो होने चाहिए। नहीं बहुत मस्त लग रहा है, बहुत सिंपल सा है, अच्छा है ना, अच्छा क्यूट। मैंने मम्मी को बोला मैं गुब्बारे ले लूं, अपने बेटे को बोलते थे कल तेरे बर्थडे के लिए किए थे और आ जाए। फिर वो वाले खींचा स्लो उड़ते वाले ना, तो वो कर लेंगे, चल के कर लेंगे। 3, 2, 1, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Harsh bhaiya. Harsh inke bhaiya. Happy birthday to you. इतना बड़ा वाला खाता है कोई? केक बहुत अच्छा है गाइस। क्या बात है, थैंक यू सो मच यार। ये हमें पता नहीं बट मैं बाद में पढ़ के बताऊंगी कि हमारे फैंस ने भेजा है, इनके ऑफिस में आया था रेड वेलवेट केक। कोविड की वजह से हम ऐसे हाथ नहीं लगा रहा यार, क्या करें। ये लो लाख से खिला। इतना बड़ा पीस बहुत अच्छा यार ये भी। थैंक यू सो मच फॉर द लवली विशेस। ये केक खराब हो जाएगा, मारो केक ले जा। ये जब भी खींचो ये है स्नोफॉल जो हम बाहर नहीं जा सकते लेकिन हम इधर ही करेंगे। सो हर्ष के फोटो खींच दो। मैं थोड़ा बंद खत्म कर भारती संभालना गिर ना जाए भाई। मेरे मालूम है ये कोई बर्थडे होता है, ऐसा कोई करता है किसी को शैम्पू लगा देता है मुंह पे। हाय सो बहुत मजा आया, आज के लिए एक सरप्राइज था। सीरियसली यार गाइस थैंक यू सो मच भारती, क्योंकि मेरे को ऐसे सरप्राइजेस वैसे इतने पसंद नहीं आते लेकिन ये बहुत अच्छा लगा सरप्राइज। और भारती एक सरप्राइज मैं भी तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी बर्थडे। चल ठीक है श्रीनगर में है हम और स्नो काफी पड़ चुकी है। सो हर्ष हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। एक्चुअली यहाँ पे किस लेते हैं ना लिप पे, सब लोग हैप्पी बर्थडे करके, पर हमें बड़ी शर्म आती है यार। जैसे? हमने बेबी कर लिया लेकिन हमें किस पे बहुत शर्म आती है।
मैंने लेंस में लगाए, ब्लशर ब्लशर किया, इसको कुछ एहसास ही नहीं हुआ और आप ही डॉक्टर से आए हैं। अरे टोपी इतनी महंगी है, खराब कर दी तुम लोगों ने। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पॉजिटिव विशेस एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड इट वाज अ वंडरफुल बर्थडे ऑफ 2022। हू एंकर भैया, इंग्लिश फिनिश्ड। बस इतनी थी, इंग्लिश खत्म हो गई हमारी। सो गाइस थैंक यू सो मच, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, है ना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये सब बोलने का बेटा सोचो। और वो बेल आइकॉन क्या होती है, प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम घंटा बजाएं घंटा ताकि पता चले आपको कि हमारा वीडियो आ चुका है ना। कैसी बदतमीज है, कैसा घंटे का वीडियो था। हाँ बच्चा कैसा प्यार करता है, बच्चा दबाने पे ठीक है, चल बे चल, मतलब तेरा बर्थडे था, खत्म हो गया, ये वीडियो के लिए सिर्फ कर रही थी मैं, समझे, चल और ये पोछा कर यहां से, पोछा कर। आई लव माई हस्बैंड, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बताए इनकी, पोछा कर, रख भूखे उधर, भूखे रख सारे उधर, गैस वाले कहाँ, गैस वाले नहीं 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 वो दूसरी गैस है, हर्ष नहीं मेरे पास सही नहीं की, देखा बर्थडे वाले दिन सारा मार खा खर्चा किया इतना बर्थडे पे, और ये चल रहा है बस वो